अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मौसम है आशिकाना और दिल में है कुछ लजीज, कुछ टेस्टी सा खाना, तो बस वही मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। तो आज हम बनाएंगे बीफ यखनी पुलाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने 1/2 kg बीफ ले लिया है, 1 teaspoon यहाँ मैंने लिया है कोरिएंडर सीड्स, 1 teaspoon सौंफ ली है, 1 teaspoon दिया है ज़ीरा, 1 teaspoon सॉल्ट और दालचीनी जावित्री के 2-2 टुकड़े ले लिए हैं। ये हम यखनी के लिए लिया है हमने। और यहाँ मैंने ले लिया है 1 लहसुन और 1 mini size की अनियन। तो ये हम यखनी में डालेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ हमने ले लिया है 1 कुकर, कुकर में डाला है, वॉश करके हमने ये बीफ का गोश्त ले लिया है। और देखिए, ये अनियन, गार्लिक और जितने भी हमने ये मसाले लिए हैं ना, ये सब हम इसके अंदर ऐड ऑन कर देंगे। और इसमें हम डालेंगे, अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। और पानी हमें बस इतना ही ऐड करना है कि वो गोश्त के थोड़े से ऊपर बस दिखाई दे, इतना ही हमें पानी ऐड करना है। और इसमें हम लगा लेंगे 3 से 4 सीटियाँ। अब हम लेंगे एक बड़ा बर्तन, उसमें डालूँगी मैं 1.5 tablespoon रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो घी में भी इसे बना सकते हैं। और यहाँ देखिए, मैंने 2 medium size की अनियन को स्लाइसेस में बारीक बारीक कट कर लिया था। तो इसे हम ब्राउन कर लेंगे और जब ये ब्राउन हो जाएंगी तो इन्हें हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और देखिए, ये कलर ना बिल्कुल सही होता है ब्राउन प्याज का। इससे ज़्यादा अगर प्याज ब्राउन हो जाए ना तो वो कड़वापन आ जाता है प्याज में। तो वो हम देखिए निकालेंगे। इसमें मैंने कुछ मिक्स गरम मसाले डाले थे, जैसे कि बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जावित्री, ये मिक्स गरम मसाले और ज़ीरा डाला था 1/2 teaspoon। और जिंजर गार्लिक पेस्ट यहाँ मैंने डाल दिया है, 1.5 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है यहाँ मैंने। और हम जिंजर गार्लिक पेस्ट को ना अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर हम नहीं भूनेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट को तो इसमें ना वो कच्चापन सा एक रहेगा बिरयानी में, इसलिए अच्छे से ये भुन जानी चाहिए। और इसमें मैंने देखिए डाली हैं 10 से 15 ग्रीन चिली, इससे अच्छा टेस्ट आता है। देखिए, ये 1 cup लिया है मैंने दही का, एक ये पूरा मैं इसमें ऐड ऑन कर दूँगी। और इसे अच्छे से हम चला लेंगे और इसे चलाते रहेंगे जब तक ये ना मिक्स ना हो जाएं सारी चीज़ें, वरना दही फटने का डर रहता है। और इसे हम ना अच्छे से भून लेंगे। अब ये जब अच्छे से भून जाएगा, ऑयल रिलीज़ होने लगेगा ना, तो हम इसमें देखिए, मैंने यखनी में से ये बीफ के पीसेस निकाल लिए थे, ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और मैं अब इसे चलाऊँगी, थोड़ा सा भूनूँगी। और देखिए, जब ये अच्छे से भुन जाएंगे ना, इसमें से ऑयल रिलीज़ हो जाएगा, तो हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने चावल सोख करके रखे थे। तो 1/2 kg मैंने यहाँ पर गोश्त लिया था बीफ का, तो 1/2 kg ही यहाँ मैंने चावल लिए थे। वो फूल करना वो ज़्यादा हो ही जाते हैं जब इन्हें सोख करने रखो। यखनी का पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और अब हम करेंगे इसे अच्छे से मिक्स। और इसी पॉइंट पर हम चेक कर लेंगे नमक को। अगर नमक का अंदाज़ा कैसे होता है, नमक का अंदाज़ा ऐसा होता है कि आप जब नमक डालें ना, पानी आप डाल लें और नमक डालें और फिर उसको टेस्ट करके देखें, थोड़ा सा हल्का सा चटकीला सा होगा ना नमक आपका, तो वो बिल्कुल परफेक्ट जाता है बिरयानी में। तो इसे हम ढककर पका लेंगे अच्छे से। और देखिए, हमारी बिरयानी मज़ेदार सी तैयार हो गई है। लेकिन अभी हम इसमें दम लगाएंगे, उससे पहले हम इसमें डालेंगे ऑरेंज फूड कलर और थोड़ा सा केवड़ा वाटर ऐड करूँगी इसमें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है बिरयानी में। और अब हम इसमें दम लगाएंगे, कोई वज़नदार चीज़ रखेंगे ऊपर और इस पर दम लगाएंगे। और देखिए, मज़ेदार सी हमारी बिरयानी बीफ, और देखिए मज़ेदार सी, टेस्टी सी, और कितने खिले खिले चावल बने हैं। बिल्कुल भी चावल नहीं चिपक रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने आपको बताई है। चलिए अब हम इसे करते हैं डिश आउट। तो देखिए, मज़ेदार सी हमारी बीफ बिरयानी बनकर, बीफ बिरयानी या यखनी पुलाव तैयार हो चुका है। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, मज़ेदार लगती हैं, आप इसे इंजॉय करती हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और ब्राउन प्याज के साथ इसे सर्व ज़रूर करें, और टमाटर की चटनी के साथ
बहुत टेस्टी लगते हैं ये। जब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ।